हेलो हाय एवरीवन, कैसा आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अब देखो, मेरे पास एक कमेंट बहुत ज़्यादा आ रहा था कि भैया एनिमल क्लासिफिकेशन बहुत ज़्यादा हार्ड जा रहा है, उसके अंदर जो जो पॉइंट्स बताएं वो हमें याद ही नहीं होते हैं, बहुत वास्ट चैप्टर है और कुछ भी हमें याद नहीं होता है। प्लीज़ ये बता दो कि हमें इस चैप्टर को कैसे कवर करना है। ये जो चैप्टर है ये एक अच्छा खासा वेटेज रखता है आपके बोर्ड एग्जाम के पेपर के अंदर। ओके, आपको इस चैप्टर को अच्छे से करके जाने। वहीं पे आज के इस वीडियो में मैं आपको ये पॉइंट्स बताऊंगा कि आपको कौन से चीज़ों को अच्छे से पढ़ के जाना है, कौन से पॉइंट्स ये चैप्टर में से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो, इनमें से उतना कुछ पूछा जाता है नहीं। वहीं पे आपके जो डेफिनेशंस वगैरह हैं आपको इन्हें एकदम अच्छे से पढ़ के जाना है, और आपको बेनिफिट्स ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन भी पढ़ के जाना है, एकदम अच्छे से पढ़ के जाना है। यहाँ से उतना कुछ पूछा जाता है नहीं, आपको बेनिफिट्स पढ़ना है, ये डेफिनेशन को पढ़ना है। वहीं पे ये जो चार पॉइंट्स हैं नॉन कॉरिडेट्स के, नॉन कॉरिडेट्स, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन, नॉन कॉरिडेट्स एंड कॉरिडेट्स, इनको आपको एकदम अच्छे से रीड करना है। ये जो चार पॉइंट्स हैं इनको भाई एकदम अच्छे से पढ़ के जाना, अपने दिमाग में फिट कर लो। क्यों? क्योंकि हम लोग इसके बारे में आगे बात करने वाले हैं कि आपको इनको एकदम अच्छे से क्यों पढ़ना है। ये जो भी पॉइंट्स हैं इनको एकदम अच्छे से याद रखना। वहीं पे कॉरिडेट्स के भी आपको चारों के चारों पॉइंट्स को एकदम अच्छे से याद रखना है। देखो, सबसे पहली बात कि ये डिफरेंशिएशन में आ जाता है। वहीं पे अगर आप इन पॉइंट्स को अच्छे से याद करके जा रहे हो, आप इजीली आपके जो फाइलम्स हैं उनके डेफिनेशन कैरेक्टरिस्टिक्स को लिख के आ सकते हो। कैसे, वो मैं आपको अब बताने वाला हूँ। वहीं पे आपको ये जो नोटोकॉड है इसको भी अच्छे से पढ़ के जाना है। ओके, वहीं पे हम बात करते हैं, ये जो आपका चार्ट है इसको तो भाई आपको एकदम अच्छे से पढ़ के जाना है। चार्ट लेना, इस चार्ट को अगर आप इस चार्ट को अच्छे से समझ के जा रहे हो, आपने इस चार्ट को याद कर लिया, फिर तो भाई आपके बल्ले बल्ले, आप इजीली, आपका एक तरह से पूरा चैप्टर याद हो गया। ओके, आपको ये सारे फाइलम्स को अच्छे से याद रखना है, या फिर कौन से फाइलम के अंदर कौन से तीन पार्ट्स हैं, आपको ये चीज़ों को अच्छे से याद रखना है। अब आप खुद बताओ मुझे, अगर आपसे ये पूछ लिया कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम मोलस्का, क्या लिख के आओगे? सबसे पहले आपको ये लिखना है कि फाइलम मोलस्का बिलोंग्स टू सब किंगडम नॉन कॉर्डेट्स। वहीं पर आप नेक्स्ट पॉइंट ये लिख सकते हो कि इट बिलोंग्स टू किंगडम एनिमेलिया। अब देखो, ये आपने दो पॉइंट्स लिख दिए। उसके बाद में आप एक चीज़ देखो कि नॉन कॉर्डेट्स के जो चार पॉइंट्स आपने याद किए थे, आपको वो पॉइंट्स को यहाँ पे चिपका देना है। ओके, इस तरह से आपका आंसर बन जाएगा। नॉन कॉर्डेट्स का क्या है पॉइंट, कि बॉडी इज नॉट सपोर्टेड बाय रॉड लाइक नोटोकॉर्ड, कि मतलब नोटोकॉर्ड अब्सेंट होती है उनके अंदर। नर्व कॉर्ड इफ प्रेजेंट इज ऑन वेंट्रल साइड, इट इज सॉलिड एंड पैड, मतलब जो उनकी नर्व कॉर्ड होती है वो आगे की साइड होती है, और वहीं पे हार्ट जो होता है अगर प्रेजेंट है तो वो पीछे की साइड होता है। आप इस तरह से कैरेक्टरिस्टिक्स को लिख सकते हो बिना लर्न किए, आप स्मार्टली कैरेक्टरिस्टिक्स को लर्न कर सकते हो। ओके, वहीं पे समझो, अगर आपको ये पूछ लिया एक्सप्लेन द फाइलम कॉर्डेटा, कॉर्डेटा एक्सप्लेन द फाइलम कॉर्डेटा, आप क्या लिखोगे? फाइलम कॉर्डेटा बिलोंग्स टू सब किंगडम कॉर्डेट्स, वहीं पे इट बिलोंग्स टू द किंगडम एनिमेलिया। वहीं पे आपको जाके चार पॉइंट्स को यहाँ पे चिपका देना है, दैट इज बॉडी इज सपोर्टेड बाय नोटोकॉर्ड, कि नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है उनके अंदर। वहीं पे जो अपने नर्व कॉर्ड है इज प्रेजेंट ऑन डोर्सल साइड ऑफ द बॉडी, मतलब पीछे की साइड होता है। वहीं पे हार्ट इज प्रेजेंट ऑन वेंट्रल साइड ऑफ द बॉडी, हार्ट आगे की साइड होता है। इस तरह से आप स्मार्टली पूरे आंसर को लिख के आ जाओगे। लेकिन गाइज, आपको सारे एग्जाम्पल्स को एकदम अच्छे से याद रखना है। क्यों? हम आगे बात करने वाले हैं। अब देखो, ये इतने कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको मेन फोकस रखना है आपके फ्लो चार्ट्स पे। आपके जो फ्लो चार्ट्स हैं अच्छे खासे मार्क्स दिला देंगे आपको। अगर आपसे ये पूछ लिया एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम पॉरीफेरा, फिर आप क्या लिखोगे? आपको सबसे पहले लिखना है बॉडी कैविटी के बारे में, कि इट हैज़ एसिमिलेट बॉडी कैविटी। वहीं पे आप बॉडी सिमेट्री भी लिख सकते हो, कि एसिमेट्रिकल बॉडी होती है उनकी। और फिर आप ये भी लिख सकते हो कि उनका सेलुलर ग्रेड होता है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में। और फिर आप ये भी लिख सकते हो कि इट बिलोंग्स टू किंगडम एनिमेलिया। अब देखो, आपके चार पॉइंट्स यहाँ पे प्रिपेयर हो गए, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट। वहीं पे हमने क्या देखा था कि इट बिलोंग्स टू फाइलम नॉन कॉरिडेट्स, वहाँ के चार पॉइंट्स आपके ऐड हो गए हैं, वहाँ के चार पॉइंट्स ऐड हो गए। इस तरह से टोटल आपने 7 पॉइंट्स लिख लिए एक फाइलम के आपके 7 पॉइंट्स याद हो गए, वो भी बिना कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ें पढ़े। और फिर आप एक अपना एग्जांपल को भी ऐड कर सकते हो, पॉरीफेरा का आप कोई भी एक एग्जांपल ऐड कर सकते हो, जैसे कि साइकोन स्पॉन्ज। इस तरह से आप 7 से 8 पॉइंट आपने लर्न कर लिए, वो भी बिना कॉम्प्लेक्स पैराग्राफ्स पढ़े। इस तरह से आपका पूरा का पूरा चैप्टर प्रिपेयर हो जाएगा। आपको ये वाले चार्ट को एकदम अच्छे से समझ के जाना है। वहीं पे इसके ऊपर जो चार्ट है उसको एकदम अच्छे से समझना है, याद कर लेना है, सबसे इम्पॉर्टेंट है आपको इसे याद कर लेना है। वहीं पे ये जो चार पॉइंट्स हैं नॉन कॉरिडेट्स और कॉरिडेट्स को, इनको आपको अच्छे से समझ के जाना है, आप इजीली पूरे पेपर को अच्छे से लिख के आ जाओगे। लेकिन गाइस, ट्रस्ट मी, आपको सारे के सारे एग्जांपल्स को एकदम अच्छे से याद रखना होगा। कि समझो, फाइलम प्लैटिहेल्मिंथेस है, तो फिर इसके एग्जाम्पल क्या है? लीवर फ्लू, प्लैनेरिया। आप इस तरह से अच्छे से लिख के आ सकते हो। आपको हर एक इसके
कम मिनिमम टू मिनिमम दो एग्जांपल्स याद होने चाहिए। ये सारे आर्थ्रोपोडा के एग्जांपल्स हैं, वही भी मॉलस्का का एग्जांपल है ऑक्टोपस। और देखो वो आपसे इस टाइप के क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, दैट इज स्टारफिश बिलोंग्स टू डैश फाइलम, वो है इकाइनोडर्माटा। आप इस तरह से लिख के आ सकते हो, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन देखो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हैं आपके सब फाइलम्स के, दैट इज वर्टिब्राटा इज डिवाइडेड इंटू 6 क्लासेस। ये जो आपके क्लासेस हैं, आपको इनके जो एग्जांपल्स हैं इनको एकदम अच्छे से याद रखना है। साइक्लोस्टोमाटा का ये वाला एग्जांपल है, इसके अंदर वो लोग करेंगे क्या, आपको एक फिगर दे दिया और फिर फिलिंग द ब्लैंक्स के अंदर पूछ लेंगे कि इसको मार्क करो, इसको मार्क करो, इस तरह से पूछ लेंगे। आप टेंशन मत लो, ड्रॉ करने के लिए नहीं बोलेंगे वो लोग। ये जो समझो ये कीड़ा सा है, इसको वो लोग बनाएंगे और फिर फिलिंग द ब्लैंक्स के अंदर बॉक्सेस बना देंगे कि आपको इसको मार्क करना है। इस तरह से ही पूछा जाता है। वहीं पे अपना जो पीसेज है उसका आप इस तरह से लिख सकते हो। एम्फीबिया फ्रॉग का आपको एग्जांपल दे देंगे वो लोग। वहीं पे रेप्टिलिया छिपकली, ये जो छिपकली का डायग्राम बना देंगे और फिर आपको मार्किंग अच्छे से करनी होगी। आपने देखा ही होगा मॉक टेस्ट या फिर प्रीलिम्स के अंदर आए होंगे इस टाइप के क्वेश्चंस। आपको इस तरह से पूरे के पूरे चैप्टर को अच्छे से समझ के जाना है। आपको करना क्या क्या है, आपको सारे इनके एग्जांपल्स को याद रखना है, सारे फाइलम्स क्लासेस के एग्जांपल्स को याद रखना है। वहीं पे ये जो फ्लो चार्ट है इसको याद रखना है। स्मार्टली आपको पेपर को एग्जीक्यूट करके आना है, लिख के आना है। वहीं पे ये जो नेक्स्ट फ्लो चार्ट है आपको उसको अच्छे से समझ के जाना है। कौन सा वाला, ये वाला। क्योंकि देखो इनसे आपके 3 से 4 पॉइंट निकल गए, नीचे वाले फ्लो चार्ट से आपके 3 से 4 पॉइंट निकल गए, और आप इनके ये जो नॉन कॉर्डिनेट्स कॉर्डिनेट्स के एग्जांपल हैं इनके जो डेफिनेशन है इनसे आपके 3 से 4 पॉइंट्स निकल गए। आप इजीली पूरे पेपर को, अरे भाई आप फुल मार्क्स स्कोर करके आ सकते हो। मैंने खुद ने लास्ट ईयर बोर्ड एग्जाम दिए थे और यही सेम ट्रिक को फॉलो किया था। ओके, यही सेम ट्रिक को मैंने खुद ने भी फॉलो किया था, आपको भी उसे अच्छे से फॉलो करना है। समझ गए ना? ये आपका एनिमल क्लासिफिकेशन का जो चैप्टर है ये सिंपल चैप्टर है, लेकिन पता नहीं लोगों ने बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करके दिया है। अगर आप स्मार्टली मेरे बताए हुए ट्रिक से फॉलो करके जा रहे हो, आप इजीली बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर लोगे। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।